आज से आरंभ हो रही है, पर अभी अभी हम लोगों ने भव्य कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत की। किसी भी कार्यक्रम के पूर्व सौभाग्यवती स्त्रियां सिर पर जल भरा हुआ कलश लेकर चलती हैं तो अत्यंत शुभ और शगुन माना जाता है। और इसी बहाने भागवत जी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और भागवत स्वयं भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ही एक प्रकार से नगर में भ्रमण किए। और आज नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का जो महीना है नववर्ष है, तो उसके शुरुआत में यदि भागवत जी हमारे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो निश्चित है कि हम सब पर भगवान की कृपा होगी। और आज से कथा का भी शुभारंभ हो रहा है, तो सभी लोगों को मैं कहूँगा कि सपरिवार आप सब लोग यहाँ पधारें और इस इंग्लिश नववर्ष को एक नया वर्ष और भक्तिमय वर्ष बनाने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछली बार पूरा स्वरूप रहेगा कथा का, बहुत ही भव्य स्वरूप है इसका। हमारे मुरारी लाल जी गोयल साहब जहाँ जहाँ भी आयोजन किए हैं आगरा के किसी भी क्षेत्र में, तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत आयोजन किया है। और इसके जो यजमान हमारे गोयल साहब हैं यहाँ इस क्षेत्र में, रोहतक क्षेत्र में, उनका भी बहुत ही भाव है, बड़ी श्रद्धा है, तो बड़ा ही अद्भुत रहेगा। अलग अलग प्रसंगों का हम दर्शन करेंगे और अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग उत्सव हम लोग मनाएंगे। इस बार युवा संवाद एक विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, उसके माध्यम से युवाओं को कैसे जागरूक किया जाएगा? देखिए, कथाओं के माध्यम से निश्चित है कि हमारे विचारों की शुद्धता होती है, विचारों की पवित्रता होती है। मनुष्य नहीं बदला है, मनुष्य के विचार बदले हैं, तो आवश्यकता है कि व्यक्ति के विचार को शुद्ध किया जाए। तो युवाओं के मन में जो भी धर्म को लेकर के प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। इसलिए खुला निमंत्रण है सभी युवाओं को, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, वो आएँ और अपने मन के समाधान को प्राप्त करके सनातन धर्म के साथ जुड़ें और अपने जीवन को भी धन्य करें। सर्वप्रथम जय जय श्री राधे। नव वर्ष की इस पावन बेला पर और इस पावन धरा पर आज ऐसा विंगम दृश्य, ऐसा लग रहा है समूचा क्षेत्र बरसाना बना हुआ है और ठाकुर जी वृंदावन में बैठे बैठे देख रहे हैं, कह रहे हैं वाह कितनी राधिकाएं, अनंत राधिकाएं जिनकी आज यहाँ दर्शन, और स्वयं हमारे पूज्य सदगुरुदेव राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी जो कि देख रहे हैं कि क्या लीला है, और उनके सानिध्य में आज ये कलश यात्रा यहाँ व्यंगम व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पीएस गार्डन में कथा स्थल पर आई है। और हजारों महिलाओं ने राधे 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 कर और इस कलश यात्रा को पूरा किया है। और ये आज 1 जनवरी से ये दिव्य कथा का प्रारंभ हो गया है और 7 जनवरी 2023 तक ये कथा की गंगा बहती रहेगी। हर दिन सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई संदेश कुछ राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से और व्यासपीठ से इसका वर्णन होगा, इसका प्रचार प्रसार दूर तक जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप सभी से एक चैनलों के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार के लिए और अपने बच्चों को इस सनातन धर्म में डेली लाएं, इस यज्ञ में डेली लाएं, जिससे कि बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और इस भागवत कथा का लीला का वर्णन बच्चों को जानने के लिए मिले, सुनने के लिए मिले। इसलिए आप बच्चों को जरूर लाएं। आज नववर्ष के पावन उपलक्ष्य में इस रोहता आगरा की पावन धरा पर, ग्वालियर रोड पर, जो ऐतिहासिक कलश यात्रा हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा आगरा द्वारा निकली है, जिसमें लगभग 2500 महिलाओं ने कलश अपने मंगल कलश अपने सिर पर धारण करके और पोथी यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को भव्य बनाया है। साथ ही साथ आज से लेकर 7 जनवरी तक यहां विशाल श्रीमद भागवत कथा परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से होगी। तो लगभग सारे सामाजिक कार्य जो हर वर्ष पूज्य बापू जी के द्वारा और ट्रस्ट की शाखा आगरा के द्वारा होते रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा हो, चाहे गौ सेवा का आंदोलन हो, चाहे वो हेलमेट बचाओ जीवन बचाओ का आंदोलन हमारे गोयल साहब का हो, साथ ही साथ एक जो मैंने एक दिन और भी कहा था, इस बार एक विशेष हम लोग करेंगे युवा संवाद, जिसमें ऐसी युवा शक्ति, ऐसे युवा भाई बहनों को हम बुलाएंगे और एक सत्र यहाँ पर आयोजित करेंगे कि उनके मन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन सनातन धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर होगा तो महाराज जी के द्वारा उसका समाधान करेंगे। ऐसे काफी सारे सामाजिक कार्यों को लेकर ये कथा लगातार 7 दिन इस धरा पर चलेगी।